नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस प्यार भरे लेसन में, पल पल दिल के पास। आज मैं आपको हायर नोट्स में सिखाने वाला हूँ, मतलब एक ऐसे स्किल में सिखाऊंगा जिसमें हायर नोट्स का यूज़ होता है। और हायर नोट्स का जो यूज़ होता है वायलिन में, तो भाई क्या आवाज़ दिल को छू जाती है अगर आप हायर पिच पे स्वर बजाओगे, वाइब्रेटो करोगे तो। लेकिन होता बहुत मुश्किल है, लेकिन उसी मुश्किल को आसान तरीके से आज मैं सिखाने वाला हूँ। लेसन्स तो इस सॉन्ग के बहुत सारे अवेलेबल होंगे, आपको बजाना भी आता होगा, लेकिन यही बातें खास है इस लेसन में, तो आप हायर नोट्स को बजाना सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बजा के दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, फिर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा कि आपको अपने फिंगर का पैटर्न कैसा रखना है हायर नोट्स में, फिर हम सॉन्ग के नोटेशन सीखना शुरू कर देंगे। ओके, सी स्केल में ट्यून कर रखा है, पसा पसा ट्यूनिंग सी स्केल। ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, स्केल की जानकारी नहीं, सब कुछ मैंने दिया है भैया, पहले सिखा रखा है, जाके देखो। हाँ, अब थोड़ा सुन लो आप स्टार्टिंग का म्यूजिक और फिर सॉन्ग। वापिस बजाऊंगा, हाँ इससे भी बहुत अच्छा बज सकता है, आप इससे भी अच्छा बजाओ यही मेरी कामना है, लेकिन पहले टेक्निक तो सीख लो। हाँ, दिख रहा है आपको मेरा वायलिन साफ, पहले टेक्निक बता रहा हूँ फिर सॉन्ग्स के नोटेशंस पे आएंगे, पूरा ध्यान देना यहाँ पे। ओके, तो जो हायर सा है, तार सा है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। टेक्निक है सा रे, इसी फिंगर से ग, रे के फिंगर से ग बजाएंगे हम। अक्सर क्या करते हैं, सा रे ग करते हैं ना, सा रे ग, अब बजाएंगे सा रे ग, इसी फिंगर से सही स्वर बजना चाहिए। हाँ, मैं वो पट्टे वट्टे वो मार्किंग यूज नहीं करता, उसकी आदत नहीं डालनी अपन को, कानों पे जोर लगाना है, म्यूजिक कानों का शास्त्र है। हाँ, सुनकर सीखना है, सा रे ग समझे, ये इस फिंगर से सा रे और ग, फिर म इस सेकंड फिंगर से। ओके, म इस फिंगर से, फिंगर दिख रही है कैमरा में अच्छे से, साफ क्लोजअप दिख रहा है। हाँ, सा रे ग, सा रे ग और ये म, सा रे ग म, उसके बाद इस फिंगर से प और छोटी वाली फिंगर से ध। वापिस बताऊंगा, सा रे ग म प ध। हाँ, सा, अब आपको कहेगी आपको सा ग बजाना है, तो सा, आपको पता है ये रे और ये ग, तो सा ग, आपका फिंगर सीधा वहाँ जाना चाहिए सा ग पे, सा ग मा प ध, ध प मा ग रे, समझ गए, ये टेक्निक हम इसमें यूज करने वाले हैं। बजा के दिखा रहा हूँ आपको ये टेक्निक, सा रे ग मा प और ध, ध प मा ग रे सा। इसका आपको, कैमरा ऊपर करिए, हाँ, इसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, फिंगर जो बताया वही यूज करोगे। ओके,
अब चलो सॉन्ग का नोटेशन सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले सॉन्ग में आता है इंट्रोडक्शन म्यूजिक, वो क्या है, ता 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 ता। स्टार्ट करेंगे प से, प सा प सा ता ता। फिर इस कच्ची वाली छोटी वाली फिंगर्स को आपको प बजाना है, सा रे ग मा प, ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, सा रे ग मा प, ये आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। इसका प्रैक्टिस का लेसन मैंने दिया है और रियाज भी दिया है, मेरे साथ रियाज करवाने का वीडियो भी है, लेकिन नहीं देखते आप, नहीं करते आप। सीधे हमको तो बस पहाड़ चढ़ जाना है, आसमान में उड़ के, स्टेप चल के नहीं। हाँ, अब फंस जाओगे अगर जिसने ये प्रैक्टिस किया होगा वो तो आसानी से कर लेगा, और जिसने वो एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तो सा रे ग मा प, ठीक है, तो प सा प, प सा प म ग रे म ग। हाँ, अगर मुश्किल लगे ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि प, ये हमने सीखा शुरू में कि इससे ग बच जाएगा, सा रे ग मा प, तो प सा प, प सा प, प सा प। जो शुरुआत में टेक्निक सिखाई ना, जो शुरुआत में टेक्निक सिखाई वो अप्लाई कर रहा हूँ, प सा प, इस फिंगर से प, प सा प म ग रे म ग, रे म ग रे सा नी ध नी सा। हाँ, प सा प, प सा प म ग रे म ग, रे म ग रे सा नी ध नी सा। अब बजा के दिखा रहा हूँ ये चीज में, और फिर सेकंड लाइन क्या है, थोड़ा स्पीड में सेकंड लाइन, प सा प म ग रे म ग रे म ग रे सा नी ध नी, प सा प म रे, प सा प म ग रे म ग रे म ग रे सा नी ध नी। हाँ, फिर सा ग सा, ओपन सा भी यूज कर सकते हो, सा ग प ग, सा ग प ग, ग ग ध नी सा, ये अकॉर्डियन पे बसता है। हाँ, सुनो ध्यान से, फिर आप बो को ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, सेम नोट्स, यहां तक समझ में आया। हाँ, फटाफट से रिपीट कर रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, देखो, प सा प सा प म ग रे म ग, रे म ग रे सा नी ध नी सा, प प सा प म ग रे म ग रे म ग रे सा नी ध नी सा ग प ग ग ग ध नी सा, सा ग प ग ग ग ध नी सा। अब आएगा पल पल दिल, तो ध नी सा। हाँ, सा क्लोज्ड सा लेना, क्लोज्ड सा, ध नी सा ग रे रे, मेरे साथ गाते भी रहो, ध नी सा ग रे रे, ध नी सा ग रे रे। शब्द क्या है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ध नी ध धनी नी सा सा, ध धनी नी सा सा। हाँ, इतने का बजा के दिखा रहा हूँ वो के साथ, देखो वो कैसे चल रहा है। अब देखो ध
को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, सेकंड टाइम आप जब रिपीट करोगे तो ध को ऐसे ले लो। ये कैसे चल रही है मेरी फिंगर, ये देखो, ये ऐसे में क्रोमेटिक स्टाइल में इसको खींच रहा हूँ नोट को, और विब्रेटो भी कर रहा हूँ। वो दिख रहा है मेरा, वो दिख रहा है मेरा, फिर उसके बाद क्या है गामा, और वही टेक्निक जो मैंने शुरू में आपको सिखाई थी, गामा। देखो सा रे और ये ग इस फिंगर से, तो ग पल। कैसे वो को यूज किया? हाँ, अगर आपको ये फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो करके देख लेना, ठीक है, पॉज करके देख लेना, हाँ, बार बार देखना, फिर और समझ में आएगी चीज़ें डिटेल्स के अंदर। अब जल्दी से इसका अंतरा सीख लेते हैं, शाम होने वाली है। हाँ, प प ध ध ध ध ध ध ग ग रे रे सा सा नी नी ध ध प, हर शाम आंखों पर। तो वो भी देखना ध्यान से मेरी, हर शाम प प ध ध ध ध ध ध ग ग रे रे सा सा नी नी ध ध प। हाँ, वापस बजा रहा हूँ, देखो ध्यान से, फिर हर रात यादों के, और वही फिर प। तो प इसमें, इस लाइन में आपको प कैसे लेना है, जो हमने सीखा था सा रे ग मा प, प प प प प प ध म म ग ग रे 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 म ग ग ग। रिपीट करूंगा, प प प प प प प प ध म म ग ग रे 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 म म ग ग, प प प प प। विब्रेटो करना अच्छे से, प प प, सॉरी, प प प प प प ध म म ग ग रे 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 म म ग ग। और बस एंड होने वाला है ये सॉन्ग, ग रे रे ग ग रे रे सा सा नी, ग रे रे ग ग रे रे सा सा ध ध प। क्या है, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं। तो ग रे रे ग ग रे, ग रे रे ग ग रे रे सा सा ध ध प। थोड़ा सा सुनो ध्यान से, ग रे रे ग ग रे रे सा सा ध ध प, ग रे रे ग ग रे रे सा सा ध ध प, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं। रिपीट करेंगे चार बार, जलने में क्या मजा है, ग रे रे ग रे रे, ग रे रे ग ग रे सा 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 ध ध प, ग रे रे ग ग रे सा, ग रे रे ग ग रे सा 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 ध ध प। फिर वापस, मैं सोच में रहता हूँ। तो ट्रिक क्या है हमारी,
ये सा रे ग, हाँ सा रे ग मा प, तो प प प प प प प ध म म ग ग रे 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 म म ग ग, पल पल दिल, हाँ जो सीखा था हमने स्टार्टिंग में। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझ में आया होगा, थोड़ा फास्ट लगा होगा आपको, तो प्लीज़ स्लो करके पीछे करके देखिए, टुकड़ों में देखिए, टुकड़ों में तैयार करिए। एक मेरा बहुत ही अच्छा लेसन मैंने अपलोड किया है अपने फ्लूट वाले चैनल पे कि आपको रियाज़ कैसे करना चाहिए, रियाज़ करने का सही तरीका क्या है, तो प्लीज़ उस लेसन को फॉलो करिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स लाऊं, पसा पसा ट्यूनिंग में भी रियाज़ के लेसन्स लाऊं, सापा सापा के अंदर भी, गायकी अंग के अंदर भी, गायकी अंग के अंदर भी, बो के अंदर भी, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे ढूंढ लेना, हाँ आई गॉट चिन्मय के नाम से। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी घर के मेम्बर्स से सब्सक्राइब करवा देना, उससे थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता है, हाँ क्योंकि आपका साथ ही तो मेरी ताकत है और शक्ति है और रहेगी, ठीक है। जिसने मेरी किताब अभी तक नहीं पढ़ी, पढ़ लेना, संगीतमय चिन्मय बहुत काम की किताब है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद और जय भारत।